भावी विधायक एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह द्वारा वसोवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर महारोग्य शिविर। जी हां, आपको बता दें कि रविवार 11 अगस्त सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक वसोवा विधानसभा क्षेत्र आम जनमानस के लिए महाआरोग्य शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय और सभी के चहेते युवा और देसिंह भावी विधायक एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह द्वारा जोगेश्वरी पश्चिम स्थित मोमिन नगर में किया गया। बता दें कि इस महीने का ये तीसरा महाआरोग्य शिविर है। इससे पहले 3 अगस्त और 4 अगस्त को आम जनमानस के लिए लगाया गया था। वसोवा विधानसभा की जनता अवनीश तीर्थराज सिंह के कुशल कार्यों को देखते हुए उन्हें अपना भावी विधायक मान रही है, जिन्हें इस तरह के प्रशंसनीय कार्यों को करने के लिए तमाम शुभकामनाएं दे रही है। हर वर्ग हर तबके के लोगों के लिए अवनीश तीर्थराज सिंह खड़े रहते हैं। अवनीश सिंह एक बेहतरीन जननायक हैं। अवनीश सिंह आम जनमानस के बीच में रहना, उनकी समस्याओं को सुनना और संभव मदद करना ही अपने जीवन का दायित्व समझते हैं। अपना कांग्रेस के हमारे अवनीश तत्रीराज सिंह ने हमारे मोमिन नगर के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं की है और अपना हर इलाज का भी मुफ्त का अपना सब सेटिंग भी किया और मदद भी किया। उनके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मोमिन नगर के लिए भी, कि हमारे लिए सब इधर पे सब जितने भी आते हैं, औरतें हैं, जो भी है, उनके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया हुआ है और बहुत अच्छा काम करते हो, उनके लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दिस कैंप इज़ बाय अवनीश सर। इट इज़ वेरी यूजफुल हियर। डिफरेंट डॉक्टर्स आर अवेलेबल, ऑफ डेंटिस्ट, आई एंड मेनी अदर डॉक्टर्स, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। ही हैज़ डन वेरी नाइस वर्क फॉर द पीपल ओवर हियर एंड मेनी वुमेन्स, ओल्ड पीपल। द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड वेरी नाइसली। दे आर प्रोवाइडिंग स्पेक्स ओवर हियर, फ्री स्पेक्स ओवर हियर, and the coordination with doctors is also very nice. Thank you so much. अविनाश जी ने जो शिविर किया है उसमें अच्छा है उनका वो करना, और चश्मा भी फ्री देते हैं और अच्छा उनका काम है। डॉक्टर लोग सब सही है, वो भी सब सही काम कर रहे हैं और मतलब पब्लिक भी जो बहुत अच्छी है और आ रही है और काम काज भी अच्छा है और ACG BCG भी हो रहा है और सब स्टाफ भी अच्छा है और सब काम अच्छा हो रहा है। ये जे अवनीश सिंह सरानी जे आयोजित केलेला कैम्प आहे, हे जे शिबिर त्यांनी आयोजित केले ते खूप चांगले चालत आहे आणि आम्हाला सुद्धा खूप बरं वाटत आहे की आपण लोकांची सेवा करू शकत आहे इथे। असंच त्यांनी शिबिर पुढे पण करत राहावे। या पे हार्ट चेकअप, ओरल चेकअप फ्री में, स्पेक्स और
ये ऐसी सारी सुविधा यहाँ पे एक दिन के लिए आयोजित की गई है। यह चेकअप पूरा मुफ्त है, तो मेरे लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ की सेवा का उपयोग करें। थैंक यू। अवनीश सिंह भाई ने जो यहाँ पर कैंप लगाया है, बहुत सुविधा है हम लोगों के लिए और बहुत अच्छी सुविधा दी है। हर चीज़ का चेकअप है, बीपी, शुगर, ECG, चश्मा वगैरह। जैसे तो बहुत सी जगहों पे सिर्फ आई चेकअप होता है, चश्मा वगैरह नहीं मिलता है, पर यहाँ पर चश्मा भी हम लोगों को फ्री दिया गया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरी सास का भी हम लोगों ने पूरा चेकअप करवाया, शुगर का, इसका, डायबिटीज़ का उनको प्रॉब्लम है, तो उन्होंने डॉक्टर की भी हमें मतलब बताया कि यहाँ जाकर आप इसका ये बीमारी का इलाज आप करवा सकते हैं। ऐसा सब बहुत सी सुविधा हम लोग को दी है, बहुत अच्छा लगा। जी जी हाँ जी, अच्छा लग रहा है। हमारे इलाके में ऐसा शायद पहली बार ही हुआ है शायद, क्योंकि हम लोग कहीं सुने नहीं थे। पहली बार मैं सुनी और पहली बार ही मैं आई हूँ इसे सब बॉडी वगैरह चेकअप के लिए, नहीं तो हम मैंने कभी गई नहीं कहीं चेकअप के लिए। इंशाल्लाह दुआ तो यही हमारी कांग्रेस पार्टी आए, कोशिश भी यही रहेगी। हम, मेरा नाम मंसूर उमर दरवेश है, मैं योगेश्वरी में रहता हूँ। मैं और कामिल भाई हम लोग योगेश्वरी में रहते हैं। हम लोग दोनों सोशल एक्टिविटीज़ है, हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। और आज जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है ये खास करके योगेश्वरी वालों के लिए है, इससे योगेश्वरी वालों को बहुत फ़ायदा होगा। आज मेडिकल इतना महंगा हो गया है कि लोग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, दवा इतनी महंगी हो गई है। ये जो कैंप लगा है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा उठा रहे, मैं देखा काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे, इसमें गरीब हर तबके के लोग फ़ायदा उठा रहे। और मैं एक उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के मेडिकल कैंप बार बार लगना चाहिए ताकि लोग अपना फ़ायदा उठा सके। आज डॉक्टर इतने महंगे हो गए, लोगों के फिर जितने MD के पास 1000 से कम से कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस तरह से जो अपने जो रूटीन चेकअप हो जाएगा और जो रिपोर्ट लेके जाएंगे ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो और सही ट्रीटमेंट मिले। मैं जी अविनाश जी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये बड़ा कैंप लगाया और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा हुआ। हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह से और कैंप योगेश्वरी में और पूरी बॉम्बे में लगेंगे ताकि लोग गरीब सही से फ़ायदा उठा सके, अमीर भी फ़ायदा उठा सके, गरीब फ़ायदा उठा, अमीर भी फायदा, सब लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा। अवनीश सिंह, अवनीश तीतराज सिंह भाई बहुत अच्छे हैं, उनका ये हेल्पलाइन कैंप भी बहुत अच्छा है, उनका ये माहौल भी बहुत अच्छा है, उनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, गरीबों के हेल्प के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हम लोगों को उनका कैंप बहुत अच्छा लगा है, हम चाहते हैं कि यही भाई कोर्ट में इलेक्शन में इस मरतबा खड़े होंगे। और हॉस्पिटल में अगर हम लोग गए तो ये भाई हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, इन्होंने ऐसा बताया है, इसमें लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे जहाँ फ्री कैंप रहेगा हम लोग वहाँ जाएंगे अपनी सुविधा के लिए। अभी तो हम लोगों को फ्री में चश्मा वगैरह सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हर वार्ड में हम 2 महाआरोग्य शिविर करेंगे और पूरे वर्सोवा विधानसभा में 12 करेंगे, तो उसी कड़ी में आज ये तीसरा महाआरोग्य शिविर है जो मोमिन नगर में आयोजित किया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और जैसा आप देख रहे हैं कि सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है और अभी भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं लोग। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग अपना काम करते रहते हैं, हमारा जो दायित्व है एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो हम कर रहे हैं, एक सामाजिक इंसान होने की वजह से जो हमारा दायित्व बनता है समाज के प्रति वो हम कर रहे हैं। और बाकी हमारे काम को देख के पार्टी जैसा फैसला लेगी वो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मोमिन नगर के जो सोसाइटी की कमेटी है उनके सेक्रेटरी, चेयरमैन और उनके सारे मेम्बर्सगर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद यहाँ पहली बार इस तरह का कोई शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो 2500 साल में कोई राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे प्रोग्राम लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेडिकल कैंप के जो हमारा एक उनको एक प्रपोजल गया था कि भाई एक मेडिकल कैंप लेना जा रहा है उसको उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी वॉलंटियर्स की टीम जो 40-50 लोगों की टीम है जो सुबह से यहाँ लगी हुई है, पिछले 2-3 दिन तैयारियों में लगी थी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।